लड़कर जीतते नहीं है, भरम फैलाकर जीत गए सो जीत गए, विभेद पैदा करके जो जीत गए सो जीत गए। अब भविष्य में कभी जीतने वाले नहीं है। जनता समझ गई है कि वह जनता के लिए नहीं, विकास के लिए नहीं, शांति के लिए नहीं, अपने लिए ही वो लोग राजनीति करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं। इसलिए कुछ ना दूसरा कि भाई जो भ्रष्टाचार करेगा इस देश को, आप बताइए बिहार को भ्रष्टाचार से मुक्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस यहाँ क्या अपराधी राज समाप्त होना चाहिए कि होना नहीं चाहिए? अपराधियों को संरक्षण देना, भ्रष्टाचार खुद करना, खुद घोटाला करना और घोटाला करने वालों को संरक्षण देना, इस प्रकार के लोग के पास कानून तो पहुंचेगी ही, कानून तो कार्रवाई करेगी ही। बिहार के लोग समझ गए हैं, इसलिए वो लोग बौखलाए हुए हैं। महागठबंधन के लोग, बिहार की जनता उनको अच्छी सबक सिखाने वाली है। 40 की 40 सीट 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी को शानदार तरीके से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बिहार की जनता और देश की जनता चल पड़ी।